बिग बॉस 14 का वीकेंड का वार घर के सदस्यों के लिए काफी भारी रहने वाला है। बीते दिन ही सलमान खान ने वीकेंड का वार में जैस्मिन वसीन और रुबीना दिलैक की करारी डांट लगाई है। इसके साथ ही सलमान खान ने वीकेंड का वार के दौरान राखी सावंत की जमकर तारीफ की और उनके चोट लगने के बावजूद खेल में टिके रहने के लिए उनका हौसला भी बढ़ाया। यही नहीं, राखी सावंत और अर्शी खान के साथ जैस्मिन वसीन और रुबीना दिलैक के बर्ताव को लेकर सलमान खान का रौद्र रूप देखा गया, जिसके बाद टीवी के इन दोनों स्टार्स की शामत आ गई। अब ऐसा ही कुछ रविवार को भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि रविवार को होगा एलिमिनेशन। इस दौरान घर का एक नॉमिनेटेड सदस्य सीधा सीधा घर से बाहर होने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो राहुल महाजन की छुट्टी घर से होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, कैप्टन बने राहुल महाजन का घर से पत्ता साफ होने वाला है, जिन्हें वोटों की कमी की वजह से बाहर का रास्ता देखने को मिलेगा। इस बारे में हम आपको अंदर की खबर बता रहे हैं। इस हफ्ते सोनाली फोगाट, राहुल महाजन और अर्शी खान को सबसे कम वोट मिले थे। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल महाजन इसी हफ्ते कप्तान बने थे, जिस वजह से उन्हें आने वाले हफ्ते के लिए इम्यूनिटी भी मिल गई थी, मगर फिलहाल इस हफ्ते वो सेफ नहीं थे, जिसकी वजह से राहुल महाजन एलिमिनेशन में फंस चुके हैं। इस बीच रिपोर्ट्स ये भी है कि इस हफ्ते घर में डबल एलिमिनेशन भी हो सकता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि राहुल महाजन के साथ किस घर वाले का नाम इस लिस्ट में सामने आता है। वैसे आपको बता दें कि इस हफ्ते सिर्फ विकास गुप्ता को छोड़कर बाकी सभी घर वाले नॉमिनेटेड थे, जिसमें राहुल महाजन, सोनाली फोगाट, अर्शी खान और अभिनव शुक्ला को सबसे कम वोट मिले थे।